नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। केंद्र सरकार जल्द ही डीप फेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इससे निपटने के लिए कड़े नियम बना सकती है जो सख्त कार्रवाई का प्रावधान करेंगे। AI का गलत इस्तेमाल करके फेक वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कार्रवाई करने और कठोर नियमों को लागू करने को कहा है। कंपनियां इस दिशा में काम भी कर रही हैं। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 23 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभर रहा है और सरकार रेगुलेशन लाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि डीप फेक को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही नए नियम बनाए जाएंगे। फॉर्म्स को एक डिटेल्ड मीटिंग के लिए बुलाया गया था, सबके साथ विस्तृत चर्चा हुई, डिटेल में बातचीत हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया। एकदम क्लियरली निकल के आया कि हमें चार चीजों पे एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा। पहला है किसी भी डीप फेक को कैसे जांच करें, डिटेक्ट कैसे करें, जाने कैसे कि ये डीप फेक है। दूसरा, प्रिवेंट करने का, कि एक तो डीप फेक को पोस्ट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या पहले, दूसरा उसको वायरल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, तीसरा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे भी किसी भी ऐप में कभी भी कोई भी यूजर अगर रिपोर्ट करना चाहे कि ये डीप फेक है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत है, तो उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि एकदम तुरंत कार्रवाई हो सके। चौथे पॉइंट पे जिसपे सबका आज एग्रीमेंट हुआ वो है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, इंडस्ट्री भी काम करेगी, और मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी इसमें सहयोग करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। वहीं उन्होंने बताया सोशल मीडिया मंच इस बात पर सहमत हुए हैं कि डीप फेक का पता लगाने और उसे रोकने के लिए स्पष्ट कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंपनियां डीप फेक का पता लगाने, इससे निपटने, इसकी सूचना देने की प्रणाली को मजबूत करने और उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने पर सहमत हुई है। वहीं पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा, आज हम ही विनियम का मसौदा तैयार करना शुरू कर देंगे और कुछ ही समय में हमारे पास डीप फेक से निपटने के नए नियम होंगे। ये मसूदा व्यवस्था में बदलाव या नए नियम या नए कानून लाना हो सकता है। वहीं मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के लिए डीप फेक एक नया खतरा बन गया है। वैष्णव ने कहा, हमारी अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। आज किए गए निर्णयों पर आगे की चर्चा की जाएगी। हम भी मसूदा नियंत्रण में क्या शामिल होना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। वैष्णव ने कहा, हमारी अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। आज किए गए निर्णयों पर आगे की चर्चा की जाएगी। वहीं बॉलीवुड के कई कलाकारों को निशाना बनाने वाले कई डीप फेक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। कई लोग इस पर नाराज हुए थे। इससे नकली सामग्री बनाने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को लेकर भी कई प्रश्न उठ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा कि उन्होंने कभी गरबा नहीं खेला था, लेकिन उनका एक वीडियो गरबा खेलते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पीएम मोदी ने भी इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए कहा कि ऐसी स्थिति खतरनाक है। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा, भारत स्पष्ट रूप से मानता है कि हमें AI के वैश्विक नियमों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज और व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अगले महीने भारत में ग्लोबल AI पार्टनरशिप समिट में जरूर भाग लेंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।